जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसमें से हमारा जो पहला प्रश्न है वह है लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें अम्ल और पानी का अनुपात क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें अम्ल और पानी का दोनों का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा 3:1 होता है। इसमें से जो हमारा पानी होता है वो 3 में होता है और जो हमारा अम्ल होता है वो 1 में होता है, तो 3:1 का अनुपात इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज रहता है। शुद्ध कैपेसिटिव जो हमारा परिपथ होता है मतलब जो सर्किट होती है उसमें जो हमारा वोल्टेज होता है वो मैंने यहाँ पर देखिए दिखा रखा है। ये देखिए रेजिस्टिव सर्किट है, ये हमारा इंडक्टिव सर्किट है, ये हमारा कैपेसिटिव सर्किट है। तो ये देखिए हमारा चतुर्थांश है, तो देखिए ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है ये हमारा वोल्टेज का है और जो रेड वाला है वो हमारा करंट का है। तो देखिए जब हमारा रेजिस्टिव होता है सर्किट तो देखिए वोल्टेज जहां से चलेगा वहीं से हमारा करंट चलेगा और जहां पर वोल्टेज आकर के रुकेगा वहीं पर हमारा करंट आकर रुकेगा। इसीलिए इसमें जो हमारा पावर फैक्टर होता है वह हमारा 1 होता है, क्योंकि इसमें करंट और वोल्टेज एक साथ चलते हैं, आगे पीछे नहीं होते, एकदम एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टिव हो गया, इसमें हमारा कोई भी लॉस नहीं होता है। उसके बाद जो हमारा इंडक्टिव सर्किट होता है इसमें हमारा लॉस होता है। देखिए ये हमारा ब्लैक वाला हमारा वोल्टेज है और रेड वाला हमारा देखिए करंट है। अब इसमें देखिए इसमें आप चूंकि जानते हैं ये हमारा ऊपर वाला पॉजिटिव में होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव नेगेटिव होता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा करंट है, जो हमारा इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें जो करंट होती है हमारी वो पीछे होती है और वोल्टेज हमारा आगे होता है। अब जो बात आती है हमारी कैपेसिटिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में जो हमारा वोल्टेज होता है वो देखिए ये यहाँ पर है और ये देखिए हमारा करंट है यहाँ पर आ रहा है, तो जो हमारा वोल्टेज होता है वह 90 डिग्री पीछे चलता है। देखिए वोल्टेज हमारा यहाँ से उठ रहा है और करंट हमारी ऊपर, देखिए ये हमारा ये जो होता है ये देखिए ये जो हमारा है ना ये ऊपर वाला जो इतना हिस्सा जो है ये हमारा पॉजिटिव का है। तो देखिए वोल्टेज जो है इसी लाइन पर तो हमारा चल रहा है, ये देखिए वोल्टेज हमारा जो चल रहा है वो यहाँ पे से वोल्टेज चल रहा है, करंट हमारा यहाँ से चल रहा है। तो देखिए क्या हुआ कि करंट हमारा जो है वो आगे चल रहा है और वोल्टेज हमारा पीछे चल रहा है, तो ऑप्शन यही सही होगा कि 90° पीछे चलता है। जब हमारा कैपेसिटिव शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होता है तो उसमें वोल्टेज जो है हमारा 90° पीछे चलता है और करंट हमारा 90° आगे चलता है। अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है उसके द्वारा हम क्या मापते हैं, केवल एसी फ्रीक्वेंसी, केवल डीसी फ्रीक्वेंसी, करंट, एसी व डीसी फ्रीक्वेंसी दोनों। तो देखिए जो हमारा एसी सप्लाई होती है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है और जो हमारी डीसी सप्लाई होती है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो इसमें यह जो पूरा है यह तो गलत ही है कि केवल डीसी फ्रीक्वेंसी में, या इसमें भी देखिए डीसी की बात की गई तो यह भी गलत हुआ, करंट तो करता ही नहीं है, केवल और केवल एसी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है फ्रीक्वेंसी मीटर, क्योंकि एसी सप्लाई में ही फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। देख लीजिए इस प्रकार से जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है एसी में और डीसी में क्या होता है इस प्रकार से होता है, तो डीसी हमेशा पॉजिटिव में ही चलता है और एसी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चलता है, इसीलिए इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा केवल एसी फ्रीक्वेंसी को मापता है हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर। ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये देख लीजिए 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसको यहीं पर ये मापता है, यहाँ पर क्या होता है इसमें वाइब्रेशन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कभी फ्रीक्वेंसी मीटर को यहाँ पर वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो वो 50 के ऊपर एक वाइब्रेशन हो रहा है तो 50° की फ्रीक्वेंसी हो गई, यदि आगे पीछे जिस पर भी वाइब्रेशन होगा तो उतनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बस कुल मिलाकर के यहाँ पर वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है। अगला क्वेश्चन है 240 वोल्ट पर कार्य करने वाले डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है कि यह जो आपका है कार्य जो कितना 240 वोल्ट पर काम करने वाला है तो 240 और 220 वोल्ट होगा तो 220 वोल्ट आप दे रहे हैं और बटे जो हमारा प्रतिरोध कितना है 0.5, तो अब जब इसको माइनस करेंगे आप तो आ जाएगा 20/0.5। ठीक है, इसका जब माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा तो इसका टू हो जाएगा 40 एम्पियर।
यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 40 एम्पियर हमारा ऑप्शन हमारा 3 नंबर सही है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 40 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में कैसे ज्ञात किया जाता है? तो जो घूर्णन की दिशा है उसको डीसी मोटर में कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? हम अपनी तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे तो जो मध्यम वाली उंगली होगी, बीच वाली उंगली होगी, वो करंट को बताएगा, ये जो तर्जनी उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और तो जो हमारा अंगूठा होगा वो मोशन को बताएगा। तो यह होता है हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस तरह से दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिटेल से समझा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके विषय में जानकारी मिल पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।